नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपको और हमारे अपने चैनल में स्कोर प्लेयर। दोस्तों दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है, इस वीडियो में जो हम शेफ का मैच वर्सेस वेटहैम जो मैच होने वाला है, इस मैच को जो है कवर करेंगे। प्रीमियर लीग का जो है मैच होने वाला है, जो आज आपको जो है 1:30 बजे जो है देखने को जो है मिल जाएगा। बात करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप लोग नए हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना और वीडियो को जो है लाइक भी जो है कर देना दोस्तों। दोस्तों बाकी बात करेंगे फाइनल अपडेट्स, फाइनल अपडेट्स के लिए आपको जो हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ना जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे आपको जो है वीडियोस में कुछ प्लेयर जो है मिस हो जाते हैं, अगर प्लेयर मिस नहीं होते हैं तो वीडियो की टीम जो है फाइनल होती है। अगर प्लेयर मिस हो जाते हैं तो आपको जो टेलीग्राम पे जो अपडेट मिल जाता है विद कैप्टन और वाइस कैप्टन की बेस्ट चॉइस के साथ, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वैसे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। अगर भाई लोग आप लोगों ने टेलीग्राम डाउनलोड कर रखा है तो आप जो है सर्च भी कर सकते हैं ड्रीम इलेवन स्कोर प्लेयर, आपको 839 सब्सक्राइबर के साथ जो है हमारा चैनल मिल जाएगा। अगर आप भी जो है हमारी फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस नंबर को जो इंक्रीज करवा दीजिए और ज्वाइन जो है हो जाइए। नीचे आपको ज्वाइन का बटन दिख जाएगा, अगर आप जो है सर्च करेंगे और क्लिक करेंगे तो आपको ज्वाइन का बटन मिल जाएगा और आप भी हमारी फैमिली का हिस्सा जो है बन जाएंगे। टेलीग्राम पे जुड़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइनअप मिल जाएगा, लाइनअप से आप एक प्रॉपर टीम क्रिएट कर सकते हैं, एक फाइनल टीम जो क्रिएट कर सकते हैं, फिर कैप्टन वाइस कैप्टन के साथ जो है टीम मिल जाती है। बाकी आपको जो है फाइनल टीम जो अपडेट होता है यूट्यूब पे जब भी कोई वीडियो अपलोड होती है उसकी भी नोटिफिकेशन आपको जो है यहाँ पे दे दी जाती है ताकि आप जो है मिस ना करें। बाकी आपको विनिंग स्क्रीनशॉट देखने को मिल जाएंगे ताकि आप जो भी मैच विन करेंगे उन सबके जो विनिंग स्क्रीनशॉट जो है देखने को मिल जाएंगे। टीम प्रॉपर टीम मिलती है विद कैप्टन वाइस कैप्टन की बेस्ट चॉइस के साथ, और बता दिया भी जाता है आपको किस मैच में जो इन्वेस्टमेंट करना है, ग्रैंड लीग खेलना है, स्मॉल लीग खेलना है, मैचेस के हिसाब से आपको जो है अपडेट्स दे दिया जाता है। तो अगर आप फुटबॉल खेलते हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन जो है ज़रूर कर लेना। बात करेंगे शेफ यूनाइटेड वर्सेस वेटहैम, तो यहाँ पे विनिंग पोजीशन की बात करें तो शेफ यूनाइटेड को जो है 47% लोग बोल रहे हैं ये मैच जो है विन कर सकती है, वहीं जो है वेटहैम को जो है 25% लोग जो है सपोर्ट जो है कर रहे हैं। अब बात करते हैं क्लब रैंकिंग क्या चलने वाली है, मैच प्लेड, विन ड्रॉ, पॉइंट्स, गोल फॉरवर्डिंग, गोल अगेंस्ट और गोल डिफेंस, और लास्ट 5 मैच को जो है क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे बात करें शेफ यूनाइटेड की, तो शेफ यूनाइटेड जो है 8 नंबर जो है क्लब रैंक पे जो है चल रही है, और हमारी जो है वेटहैम की टीम है वो जो है 16 नंबर जो क्लब रैंक पे जो है चल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको शेफ यूनाइटेड और यहाँ पे जो है वेटहैम की जो है टीम मिल जाएगी। 21 और 20 मैच जो है दोनों टीम खेल चुकी है, मतलब लगभग 20 मैच जो है दोनों टीम खेल चुकी है। वहीं विनिंग की बात करें तो 6 विनिंग जो है दोनों टीम की जो है कॉमन चल रही है। और बात करें ड्रॉ की, तो यहाँ पर ड्रॉ जो है शेफ यूनाइटेड का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वेटहैम। तो वेटहैम की जो हमारी टीम है वो जो है 4 ही जो है ड्रॉ करी है, यहाँ पे 8 जो है ड्रॉ करी, तो मतलब जो है स्ट्रॉन्ग टीम हो गई है एक शेफ यूनाइटेड की टीम। और यहाँ पे बात करें लॉस की, तो 6 मैच लॉस है, यहाँ पे 10 मैच लॉस है, तो यहाँ पे जो है वेटहैम जो है थोड़ा नेगेटिव पॉइंट जो है ले जाती है। अब बात करेंगे पॉइंट्स की, पॉइंट बेसिस जो आपको जो है गोल जो है विनिंग ड्रॉ और लॉस पर डिपेंड करते हैं, तो यहाँ पर 29 पॉइंट पर चल रही है और यहाँ पर जो है 22 पॉइंट पर जो है चल रही है। अब दोनों टीम जो है 20 मैचेस खेल चुकी है, तो 20 मैचेस में क्या डिफरेंस आया गोल फॉरवर्डिंग, गोल अगेंस्ट और गोल डिफेंस का, उसके बारे में बात करते हैं। तो कुछ ज़्यादा जो है डिफरेंस नहीं आया है, थोड़ा बहुत ही जो है डिफरेंस आया। यहाँ पे देख सकते हैं 23 गोल गए हैं 20 मैच में, और यहाँ पे वेटहैम की टीम की गोलिंग जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी रही है शेफ यूनाइटेड से, 25 गोल जो है करी है, लेकिन एक चीज़ जो है गलत रही है जो है डिफेंसिंग। तो यहाँ पे जो है गोल कीपर जो है बहुत ही ज़्यादा जो है वीक है वेटहैम का, यहाँ पे जो है गोल जो है बहुत ज़्यादा जो है वेटहैम की साइड से जो है देखने को जो है मिल जाएंगे। वहीं जो है शेफ यूनाइटेड का गोल कीपर जो एक स्ट्रॉन्ग गोल कीपर है, देख सकते हैं आप 21 मैच में 21 ही गोल हुए हैं, मतलब हर एक मैच में अगर हम एवरेज लेके चलें तो एक एक गोल जो है गया है। अब उसके बाद बात करते हैं डिफेंसिंग, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत डिफेंसिंग जो है अच्छी रही है, प्रॉपर एक अच्छी जो है डिफेंसिंग रही है, यहाँ पे 2 गोल की डिफेंसिंग रही है और यहाँ पे जो -7 आपको जो है देखने को मिल जाएगा। वहीं लास्ट 5 मैच रिकॉर्ड की बात करें तो लास्ट 5 मैच रिकॉर्ड में लॉस लॉस ड्रॉ विन विन, तो 2 मैच विन है, 1 मैच जो है ड्रॉ है और 2 मैच जो है लॉस है। ये जो है हमारी शेफ यूनाइटेड का टीम है, उनका जो है लास्ट 5 मैच रिकॉर्ड है। और वहीं अगर हम बात करें वेटहैम की, तो वेटहैम की रिकॉर्ड की बात करें तो वहीं पे 2 मैच जो है विन है और 3 मैच जो है लॉस है, तो दोनों की विनिंग कंपैरिजन जो है सेम ही रही है लास्ट 5 मैच रिकॉर्ड की, तो कुछ ज़्यादा जो है फ़र्क नहीं पड़ा है। बट हम फिर भी जो है शेफ यूनाइटेड की टीम को जो है एक मेन जो है प्लेयर लेके चलेंगे, शेफ यूनाइटेड की ही जो बेस्ट 7 जो है लेके चलेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि शेफ यूनाइटेड की टीम जो है ये जो है मैच जो है एक अच्छा जो है क्रिएट कर सकती है। टीम क्रिएट करते हैं शेफ यूनाइटेड की, जो है टीम क्रिएट करेंगे शेफ यूनाइटेड वर्सेस WHU,
तो सबसे पहले करते हैं क्रिएट टीम वन। तो यहाँ पे जो है प्लेयर्स की क्या चॉइस आती है, डी हैंडसम। हम जैसे कि मैंने आपको बताया डिफेंसिंग में जो है हमारे जो शेफ यूनाइटेड की टीम जो स्ट्रॉन्ग है, वहीं पे जो है WHU की टीम जो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले फॉरवर्डिंग देखते हैं, फॉरवर्डिंग में कौन कौन से जो है बेस्ट प्लेयर जो हमें जो है देखने को मिल जाएंगे। मिडफील्डर देखेंगे और डिफेंडर देखेंगे। फॉरवर्डिंग में देखने को मिलते हैं आपको एस हेलर आपको जो है WHU की टीम की से देखने को मिलते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनकी जो डिफेंसिंग इतनी अच्छी नहीं है। गोल फॉरवर्डिंग यहाँ पे थोड़ी सी आपको जो अच्छी देखने को मिल रही है यहाँ पे। और वहीं आपको देखने को मिलते हैं एल मोसेट आपको जो है देखने को मिल जाएंगे। मिडफील्डर के लिए आपके पास चॉइस आते हैं जे लेट स्ट्रैम, जे फ्लैंक ओ नॉरवुड ये आपके पास आते हैं। फिर आपके पास आते हैं पी फॉर्मल और डी राइस की जगह आप जो है एफ एंडरसन को भी जो है लेके चल सकते हैं। डिफेंडर की चॉइस में आते हैं जी बेल्डोक, ए क्रिसवेल और ई स्टेफेंस आपको जो है डिफेंडर की जो है चॉइस में जो है देखने को मिलते हैं। गोलकीपर की चॉइस में देखने तो डी हेंडरसन समझ जाओ गोलकीपर की चॉइस में देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे जो है सेफ यूनाइटेड का हमने गोलकीपर इसलिए लिया है क्योंकि हम नेगेटिव पॉइंट जो है नहीं चाहते हैं। अगर यहाँ से जो हमें जो है गोल देखने को मिलेगा तो हम जो है नेगेटिव पॉइंट जो है नहीं चाहेंगे। बट यहाँ पे जो है गोलिंग भी जो है हमें जो है देखने को मिल सकती है सेलर के थ्रू, तो इसलिए हमारे पास एक प्लस पॉइंट भी आ जाएगा। अगर इनकी डिफेंसिंग अच्छी हुई तो हमारे पास एक प्लस पॉइंट भी जो है आ जाएगा। अब बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की बेस्ट चॉइस में आपको जो है कौन कौन से प्लेयर जो है देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जो है डिफेंडर की साइड से जो आपको जो है कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस में जो है बहुत सारे प्लेयर देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो गोल फॉरवर्डिंग जो है बहुत रेयर देखने को मिलती है। तो इसलिए जो है डिफेंडर की साइड से आपको जो कैप्टन वाइस कैप्टन जो है बहुत अच्छे जो देखने को मिलेंगे। तो हमारा जो है जी बेल्डोक आपको देखने को मिल जाएंगे, एफ रोलल्स ये सारे आपको जो है देखने को मिल जाएंगे। लेकिन हमें कौन से प्लेयर को जो है कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना है वो मैं आपको जो है ज़रूर बताऊंगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं एस हेलर को जो है 16% जो है लोग जो है कैप्टन जो है ट्राई कर रहे हैं। डी हेंडरसन को 14% जो है ट्राई कर रहे हैं। तो मतलब जो है गोलकीपर को ही जो है ज़्यादा सपोर्ट जो है दिया जा रहा है आप देख रहे होंगे, और यहाँ पे जी बेल्डोक को जो है ट्राई कर रहे हैं। तो हमारे पास वाइस कैप्टन के ऑप्शन में जो है जी बेल्डोक ही आते हैं और गोलकीपर के ऑप्शन में जो है एस हेलर आते हैं। तो ये जो है आपके पास एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है अगर आप दोनों का एवरेज लेके चलें। नहीं तो आपके पास जो आते हैं एल्मोक्से जो हमारे दूसरी टीम के जो हैं गोल फॉरवर्ड हैं, तो उनके पास भी आपके पास एक अच्छा ऑप्शन आता है वाइस कैप्टन का एल्मोक्सेट के पास। नहीं तो आपके पास जी फ्लैंक आते हैं, डी हेंडरसन आते हैं, ऐसे बहुत सारे रैंडम्स प्लेयर हैं जो आपके पास आते हैं एक अदर ऑप्शंस के लिए अगर आप फ़ायदेमंद जो है लेके चलें। तो यहाँ पे अगर आप जो है गोलिंग के पर्पज़ से देखेंगे तो आपके पास जो है एल्मोक्सेट और एस हेलर ये दो ऑप्शन आते हैं। वहीं अगर आप जो है सोचते हैं इस मैचेस में गोल नहीं जा सकता, एक एवरेज जो है डिफेंसिंग मैच होने वाला है, तो आपके पास जो प्लेयर आते हैं उनकी बात करें तो आपके पास आते हैं डी हेंडरसन और जी बेल्टोक, ये आपके पास दो ऑप्शन आते हैं। वहीं अगर मैं आपको अपनी फाइनल टीम बताऊं कि मेरी जो है क्या फाइनल टीम रहेगी, मैं कौन से प्लेयर को जो है लेके चलूँगा, तो सबसे पहले आते हैं जे लैंडरसन या जे फ्लैग इनको जो है मैं लेके चलूँगा। तो यहाँ पे कैप्टन जो है मैं जे फ्लैग या जे लैंडरसन को ले सकता हूँ, वाइस कैप्टन जो है जे फ्लैग को ले सकता हूँ। ये दोनों जो है मेरे पास एक अच्छे ऑप्शन जो है आते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। और पासिंग जो है मिडफील्डर्स के पास जो है ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू डिफेंडर। वहीं पर अगर क्लीन स्वीप रहा शेफ की टीम की साइड से तो हमें 5 पॉइंट जो है 7 प्लेयर को जो है मिल जाएंगे। तो 75 से 35, तो 35+ आपके जो है ऐसे ही हो जाते हैं। तो इसलिए कैप्टन और वाइस कैप्टन जो है आप जो है शेफ यूनाइटेड की टीम से ही जो है रखेंगे। बाकी कोई भी चेंजेस होंगे तो वो चेंजेस आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं तो वीडियो को लाइक करके जो है ज़रूर जाना और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।